आज हम डिस्कस करेंगे गेटवे के बारे में। ये भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का नेक्स्ट कंपोनेंट है। गेटवे की अगर हम लोग बात करें तो गेटवे एक तरह से अपने दो सर्वर है या दो नेटवर्क है उनको जोड़ने के लिए बीच में आप गेटवे का उपयोग ले सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो गेटवे एक ऐसा नेटवर्क नोड होता है जो कि दो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं और अलग अलग कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं, उन्हें हम लोग आपस में जोड़ा जा सकता है। ये भी OSI मॉडल के लेयर थर्ड पे काम करता है और ये भी एंट्री एग्जिट पॉइंट की तरह नेटवर्क के काम करता है, मतलब एंट्री करते वक्त और एग्जिट करते वक्त दोनों के लिए इसको यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें नेटवर्क के लिए, तो ये गेटवे जो है मैनेज करता है डेटा के फ्लो को, इनफ्लो को, आउटफ्लो को। क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पे काम करता है, तो डेटा एंट्री कर रहा है तब भी इनफ्लो के टाइम चेक करता है, एग्जिट करते समय भी चेक करता है। इसके अलावा ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह भी काम करता है, क्योंकि दो अलग अलग नेटवर्क है और दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, तो ये एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट, ये प्रॉक्सी सर्वर या फायरवॉल की तरह भी काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर या फायरवॉल जो कि हमारा नेटवर्क, जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर अगर आप लोग फिल्टर लगाना चाहते हैं, उस पर कोई आप कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, तब आप फायरवॉल का यूज करते हैं। इसके अलावा ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है रूटिंग पाथ से रिलेटेड उसको स्टोर करता है, और ये पैकेट स्विचिंग का भी उपयोग लेता है। पैकेट स्विचिंग होता है पैकेट के रूप में डेटा को भेजना। अब अगर बात करें हम लोग गेटवे के टाइप की, तो सबसे नॉर्मल जो गेटवे का टाइप है वो है यूनिडायरेक्शन और बाई डायरेक्शन। ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के डेटा फ्लो। यूनिडायरेक्शन मतलब जो एक दिशा में काम करता है, और बाई डायरेक्शन जो दोनों दिशाओं में काम करते हैं। अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला गेटवे होता है नेटवर्क गेटवे। ये सबसे कॉमन टाइप है गेटवे का। ये एज ए इंटरफेस काम करता है दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज गेटवे की, तो ये क्लाउड स्टोरेज का काम करता है। जो भी हमारा डेटा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको अगर हम नेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके या क्लाउड स्टोरेज का यूज करके रखना चाहते हैं, तब हम इसके द्वारा रख सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेट टू ऑर्बिट गेटवे है। ये भी दो डिवाइसेस हैं, जैसे कि उनको इंटरनेट को सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट करने में मदद करता है। IoT गेटवे भी होता है, जो कि IoT जो होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, जो अलग अलग प्रकार के जो सेंसर होते हैं उनका यूज करके जो ऑटोमेटिकली काम करता है वो होता है IoT। तो उसके लिए भी हम लोग गेटवे लगा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं IoT गेटवे। अब हम लोग बात करते हैं VoIP ट्रंक गेटवे। ये भी डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है और ओल्ड टेलीफोन सर्विस जो कि पुरानी जो तकनीक है उसके अंदर यूज में आता है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है गेटवे के अंदर, और ये अलग अलग लोकेशन पे भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आप लोग बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इजीली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है और नेटवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। नुकसान की अगर बात करें तो जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसे लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ही रख सकते हैं आप लोग, और ट्रबल शूटिंग करना, मतलब अगर कोई एरर आ गई या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कई बार डेटा की डिलीवरी करते वक्त देरी हो सकती है। और ट्रांसलेशन का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। ये सारा था गेटवे के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।